नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉल हैंडलिंग सिस्टम। तो मेरे साथ इस YouTube वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि कॉल हैंडलिंग सिस्टम की बेसिकली आवश्यकता क्या होती है। बेसिकली जो कॉल होता है उसका यूज हम लोग पावर प्लांट में यूज करते हैं और थर्मल पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट में बर्न करते हैं, जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सके। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टीम पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट कैसे वर्क करता है तो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल है। अब देखिए, सीधे आते हैं वीडियो पे, इस वाले टॉपिक पे कि आखिर आवश्यकता क्या है कोल हैंडलिंग सिस्टम का। तो एक अगर 600 मेगावाट का अगर पावर प्लांट आपको बनाना है और 600 मेगावाट पावर का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है आपको एक दिन में, तो 7200 टन कोयला एक दिन में लगता है। तो मतलब कि 7200 टन कोयले की को जलाएंगे तो आपको उतनी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तो इसलिए उसको हैंडल करने की जरूरत पड़ती है। तो हमको क्या फायदा होगा अगर हम लोग हैंडल करते हैं कोल को, तो इससे जो पूरा का पूरा सिस्टम होगा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, रिलायबल हो जाएगा, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग लार्ज क्वांटिटी, और हम लोग बड़े से बड़े क्वांटिटी को एक तरह से हैंडल करने में कैपेबल हो जाएंगे हम लोग, और काफी कम समय लगेगा। ठीक है, पहले से काफी कम समय लग रहा होगा, इसलिए हमको आवश्यकता है कोल हैंडलिंग सिस्टम का। अब देखिए, जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का लगभग 41% भाग जो है वो कोयले से आता है। तो समझिए कि कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है एक तरह से कोयला इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। ठीक, तो यहाँ पे एक मैं फिगर आपको दिखाना चाहता हूँ, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अभी ये 2016 का एक तरह से डाटा मेरे पास अवेलेबल है, तब लगभग कोल 61%, हमारे यहाँ लगभग जो बिजली बनती है उसमें कोयले के हेल्प से हम लोग लगभग 61% जो पावर प्लांट्स होते हैं रन करते हैं और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो कितना ज्यादा अमाउंट में हम लोग डिपेंडेंट है इस पे, तो समझ सकते हैं आप कि इसलिए इसकी जरूरत होती है। और क्या क्या रिक्वायरमेंट है गुड कोल हैंडलिंग प्लांट के, तो सबसे पहले इसमें मिनिमम मेंटेनेंस होना चाहिए, दूसरा ये सिंपल होना चाहिए, तीसरा ये रिलायबल होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हो एक कोल हैंडलिंग प्लांट का एक तरह से फिगर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। पल्वराइड फॉर्म ऑफ कोल है जिसको हम लोग बर्न करते हैं। अब देखिए कोल हैंडलिंग सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले कोल को डिलीवरी किया जाता है, उसके बाद अनलोडिंग, वेइंग, आउटडोर स्टोरेज, कवरेज कवर्ड स्टोरेज, इनप्लांट हैंडलिंग, प्रिपरेशन एंड ट्रांसफर, फर्नेस फायरिंग, हर एक चीज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, अभी एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग कोल डिलीवरी को डिस्कस करते हैं। देखिए, हम लोग जो भी कोल होता है माइन से या पोर्ट से, उसको हम लोग जो भी प्लांट साइट है उसके पास तक हम लोग ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसको बोलते हैं कोल डिलीवरी। उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग रेल के हेल्प से कर सकते हैं, लगभग 400 से 1300 टन पर ट्रिप, एक ट्रिप के लिए 4000 से 13000 टन एक ट्रिप में हम लोग रेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, शिप के थ्रू 45 मिलियन टन पर ईयर, और रोड के थ्रू या ट्रक के थ्रू भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बाय बेल्ट एंड कन्वेयर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल बाय पाइपलाइन। बेसिकली ये पाइपलाइन और कन्वेयर्स का यूज वहां पे करते हैं जहाँ पे नजदीक होता है आपका माइन और पावर प्लांट, तो वो भी आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद अनलोड ऑफ कोल एट साइट, उसके बाद हम लोग जो भी कोल लेकर के आते हैं उसको साइट पे अनलोड करना होता है। तो कैसे अनलोड करते हैं, रेल कार्स होती हैं, रेल कार्स ये आप देख सकते हो, आप रेल कार्स होती हैं, इसके थ्रू हम लोग उसको अनलोड कर सकते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मालगाड़ियां जो चलती हैं वो कोयला जो होती है इसी के लिए यूज होती है। अनलोडिंग फ्रॉम शिप्स, अनलोडिंग इक्विपमेंट होती है उसमें, सेल्फ अनलोडिंग शिप्स भी होती हैं, या तो इक्विपमेंट की हेल्प से शिप से आप अनलोड कर लो, या कई सारी शिप्स ऐसी होती हैं जो सेल्फ अनलोडिंग भी होती हैं। अनलोडिंग फ्रॉम ट्रक्स, अब हम लोग ट्रक से भी उसको अनलोड करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ट्रक्स को लिफ्ट कर लेते हैं और अनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने फिगर लगाया हुआ कि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पोर्ट है, पोर्ट पे सीप आया हुआ है और यहाँ पर पूरा का पूरा कोल को हम लोगों ने हैंडल किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है, और यहाँ पे ट्रक लगा हुआ है, यहाँ पे कोल को हैंडल किया हुआ है। उसके बाद रेल कार अनलोडिंग है, रेल कार अनलोडिंग को आप थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे रेल कार अनलोडिंग फीचरिंग बॉटम डंप बाई अनलोडिंग ब्रिज, आप अनलोडिंग ब्रिज से बॉटम डंप यहाँ पे एक पूरा का पूरा खोलने के लिए थोड़ा सा स्पेस बचा होता है जिसको हम लोग खोल देते हैं और पूरा का पूरा एक तरह से डंप कर लेते हैं रेल कार की हेल्प से। रेल कार अनलोडिंग बाय मीन्स ऑफ रोटरी ड्रम्स, रोटरी ड्रम्स बेसिकली क्या होता है, रोटरी ड्रम्स में हम लोग
यहाँ पे आप अगर देखेंगे रोटरी ड्रम्स की हेल्प से तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ड्रम लगे होते हैं, बकेट लगे होते हैं, बकेट में हम लोगों ने पूरा पूरा कोयला डाला और इसको हम लोग रन कराते हैं, रोटेट करता है। और जैसे रोटेट किया, यहाँ पे दूसरी जगह पे आया, सेकेंड जगह पे आया, वहां पे हम लोग अनलोड कर लिया। तो इसके हेल्प से हम लोग भी लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं। उसके बाद सीप अनलोडिंग सिस्टम है। सीप अनलोडिंग सिस्टम जैसे मैंने पहले बताया कि अनलोडिंग इक्विपमेंट्स का यूज करके या सेल्फ अपलोड अनलोडिंग शिप्स होती हैं, उसकी हेल्प से हम लोग अनलोड कर लेते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन बाय पाइपलाइन। देखिए अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वे वे पॉलीथिलीन। अब सबसे पहले हम लोग इसको कैसे करते हैं, कोल माइन से हम लोग सीधे ड्राई क्रशिंग करेंगे। ड्राई क्रशिंग के बाद वेट ग्राइंडिंग करते हैं, मिक्सर में भेजते हैं। मिक्सर में भेजने के बाद उसको फर्स्ट पंप स्टेशन पे भेजा जाता है। पंप स्टेशन ये इसलिए भेजा जाता है कि उसकी स्पीड को बढ़ा सके, ठीक है। उसके बाद स्लरी के हेल्प से, पाइपलाइन के हेल्प से स्लरी के फॉर्म में वो सेकेंड पंप स्टेशन पे जाता है, उसको फर्स्ट बूस्टर स्टेशन भी बोलते हैं। और उसके बाद फिर स्लरी पाइपलाइन की हेल्प से कहाँ जाता है, थर्ड पंप स्टेशन के पास, उसको सेकेंड बूस्टर और स्लरी पाइपलाइन की हेल्प से स्लरी पाइपलाइन आउटलेट एट पावर प्लांट, जो भी पावर प्लांट होता है वहां पर हम लोग ले जाकर उसको अनलोड कर देते हैं। उसके बाद हम लोग सीधे आते हैं ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रोप एंड बेल्ट कन्वेयर्स। बेसिकली रोप एंड बेल्ट कन्वेयर्स का यूज वहां पे किया जाता है जहां पर आपका माइन और पावर स्टेशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर के लगभग हो या 10 किलोमीटर से कम हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर की हमने पहले भी आपको बताया कि ज्यादा दूरी के लिए हम लोग आप और सारे मीडियम से यूज करोगे, लेकिन अगर नजदीक है तो रोप या बेल्ट कन्वेयर्स का यूज हम लोग कर सकते हैं लगभग 10 किलोमीटर के जगह के लिए। उसके बाद हम लोग बता कन्वेइंग कैपेसिटी वाज 600 टन पर आवर, 1 घंटे में हम लोग 600 टन इससे ढो सकते हैं। द लाइन वाज 270 मीटर लॉन्ग, अगर 270 मीटर लॉन्ग आपका लाइन है। वर्टिकल राइज 23 मीटर। इट इलिमिनेटेड 1,15,000 ट्रक जर्नीस, तो 1,15,000 ट्रक की जर्नी को ये बचा लेता है। तो समझिए कितने ज्यादा फायदेमंद है, कितना ज्यादा हम लोग कॉस्ट एक तरह से बचा लेते हैं। उसके बाद कोल वेइंग करते हैं। कोल वेइंग में क्या होता है, ऑल ऑफ आवर ट्रेन वेइंग सिस्टम इन्वॉल्व्स लोड सेल्स। आप देखेंगे अगर तो वहां पे लगा होता है, लोड सेल लगा होता है। टेक्नोलॉजी व्हिच इज वनली जेन्युइनली रिकॉग्नाइज्ड मेथड ऑफ लॉन्ग टर्म एक्यूरेट एंड रिलायबल ट्रेन वेइंग एंड यूजेस द एग्जैक्ट प्रिंसिपल एज वे ब्रिजेस ट्रक स्केल एंड एवरी अदर जनरल स्केल इज बेस्ड ऑन ऑनबोर्ड कोल वेइंग। बेसिक कोल वेइंग में हम लोग कोल को वेट करते हैं। उसके बाद कोल स्टोरेज पे लेके जाते हैं। कोल स्टोरेज पे, स्टोरेज ऑफ कोल इज अनडिजायरेबल बिकॉज इट कॉस्ट मोर एज देयर इज रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। क्या होता है कई बार कि जो कोल स्टोरेज हम लोग करते हैं वो काफी अनडिजायरेबल होता है स्टोरेज ऑफ कोल, और इसका कई बार हमको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, घाटा भी होता है। कई बार ऐसा होता है, रिस्क क्या होता है कि उसमें अचानक कंबस्शन शुरू हो जाता है, वेदरिंग का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, बारिश हो गया, गीला हो गया, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस डिटेरियोरेशन ड्यूरिंग स्टोरेज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ कोल लाइन डोरमेंट। आप अगर कोल खरीद करके स्टोर कर रहे हो तो उसका एक कैपिटल कॉस्ट लगेगा और समय के साथ उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है, तो वो भी एक लॉस होता है। हम लोग कहीं ना कहीं कैपिटल के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो ये भी कॉस्ट हम लोग को इंक्लूड करना होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द स्टोर्ड कोल फ्रॉम डिटोरिंग एंड सो ऑन। नाउ पर्पस ऑफ कोल, पर्पस ऑफ स्टोरेज ऑफ कोल, टू सॉर्ट द कोल फॉर ए पीरियड ऑफ 30 to 80 डे सो दैट प्लांट इज नेवर रिक्वायर्ड टू बी शट डाउन। हम लोग क्या करते हैं, क्या जरूरत है कि हम लोग स्टोर करके रखे कोल को, तो बेसिकली जो स्टोरेज ऑफ कोल की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि हमारा जो प्लांट है उसमें हमको कम से कम 30 से 80 दिन के लिए कोयला हम लोग को रखना होता है, ताकि हमारा जो प्लांट जो है वो बंद ना हो जाए। क्यों कि कई बार ऐसा होता है कि जो परचेजर है आपका, जो प्लांट को आपको चला रहा है, तो मान लीजिए कि आपके जिस माइन से आपको मिल रहा है वहां पे बारिश हो गया या कोई नेचुरल क्लेमिटी आ गई, तो जिससे कि हमारा जो कोल का ट्रांसफर है वो बंद हो जाएगा, सप्लाई अचानक बंद हो गया तो क्या होगा, काफी ज्यादा घाटा हो जाएगा, आपका पावर प्लांट बंद हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर 30 से 80 दिन का आप प्लांट रख लेते हो तो आपको कोयला खरीदने में, आप कई जगहों पे अगर कोयला का दाम पूछोगे तो एक तरह से माप तोल आप कर पाओगे, भाव अच्छा मिल जाएगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। शॉर्टेज ऑफ कोल अलाउ द परचेजर टू टेक द एडवांटेजेस ऑफ सीजनल मार्केट फ्लक्चुएशन इन प्राइस ऑफ कोल। जो सीजनल मार्केट में आपके कोल के प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है वो एक तरह से एडवांटेज मिल जाता है कोयला जो खरीदता है, जो भी परचेजर है, तो वो जब सस्ता होगा तब अधिक से अधिक कोल को खरीद लेगा और स्टोर कर लेगा,
ठीक है। आउटडोर स्टोरेज, इसको डेड स्टोरेज भी बोलते हैं। द कोल इज यूजुअली केप्ट ऑन ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ पाइल एक्सपोज टू द आउटसाइड वेदर। पाइल्स के रूप में हम लोग अनसाइड वेदर में इसको बेसिकली रखते हैं ग्राउंड पे। और द कोल इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्ट फ्रॉम डिटोरेशन एंड वेदरिंग। दिस इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज दैट इज 10% ऑफ एनुअल कंजम्पशन। क्लोज्ड और लाइव स्टोरेज, इन द क्लोज्ड और लाइव स्टोरेज द कोल इज स्टोर्ड फॉर 1 or 2 days रिक्वायरमेंट ऑफ द पावर प्लांट। 1 या 2 दिन के लिए जितना भी रिक्वायरमेंट होता है पावर प्लांट का, उतना हम लोग लाइव स्टोरेज में कोल को स्टोर करके रखते हैं। और इस स्टोरेज का बेसिकली पर्पस जो होता है वो कोल के सप्लाई के लिए होता है, जितना जिसे जिसको हम लोग बर्न कर सके, जिसका कंबस्टन कर सके, और एक तरह से आपको हैंडलिंग में बिल्कुल नेग्लिजिबल काम करना पड़े आपको। द कोल इज यूजली स्टोर्ड इन द वर्टिकल सिलेंडर्स बंकर्स और कोल बीन्स। बेसिकली इसको हम लोग वर्टिकल सिलेंडर बंकर्स होते हैं उसमें हम लोग रखते हैं, या कोल बीन्स में इसको स्टोर करके रखते हैं। ये फिगर देखिए, इसी तरह का कुछ स्टोरेज सिस्टम होता है। इनप्लांट कोल हैंडलिंग सिस्टम, द इनप्लांट कोल हैंडलिंग सिस्टम डील्स विद द फीडिंग ऑफ कोल फ्रॉम लाइव स्टोरेज टू द फर्नेस। इट इंक्लूड्स वेरियस इक्विपमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ कोल लाइक बेल्ट कन्वेयर, स्क्यू कन्वेयर। इट इज द इक्विपमेंट नीडेड टू वेयर द क्वालिटी ऑफ कोल फॉर फीड। इन ईच केस ऑफ पल्वराइड कोल फायरिंग सिस्टम इट रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ इक्विपमेंट लाइक क्लचेज, पल्वराइड मिल्स, फीडर्स, वेइंग मशीन्स, हूपर्स एंड ऑटोमेटिक स्केल्स। बेसिकली जो इन प्लांट कोल हैंडलिंग सिस्टम होता है उसमें हम लोग वेट कर करके डालते हैं कि भाई इतना कोल हमको एक समय में डालना है, कैसा कोल डालना है। अगर मान लो कि हमको पल्वराइड फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट चाहिए, वेइंग मशीन हो गया, हूपर हो गया, ऑटोमेटिक स्केल हो गया, पल्वराइड मिल हो गया, तो उसके हेल्प से हम लोग पल्वराइड कोल बनाते हैं ताकि फायरिंग कर सके, हम लोग जला सके और एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सके। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप के कोल हैंडल करने के लिए डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, जैसे बेल्ट कन्वेयर हो गया, स्क्रू कन्वेयर हो गया, तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब आते हैं हम लोग अगले पे। सिंपल एंड साउंड रिक्वायरिंग मिनिमम ऑपरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, नो डबल हैंडलिंग ऑफ कोल इन प्लांट। हैंडलिंग यूनिट शुड बी सेंट्रलाइज्ड टू फैसिलिट इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। इलेक्ट्रिकल मोटर कैन बी यूज्ड एज ड्राइवर ऑफ मैकेनिज्म। वर्किंग पार्ट शुड बी इंक्लूड टू अवॉइड एब्रेशन एंड कोरोजन। सिस्टम शुड बी एबल टू सप्लाई रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ कोल एज पर डिमांड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज क्रशिंग ऑफ कोल। क्रशर्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द कोल टू द ऑप्टिमम। बेसिकली जो क्रशिंग का काम होता है वो हम लोग ऑप्टिमम साइज में कोल को चेंज कर लेते हैं क्रशर्स की हेल्प से, उसको तोड़ लेते हैं छोटे छोटे फॉर्म में। जो क्रशर होता है उसको लगभग 25 से 30 mm के साइज में एक तरह से तोड़ देता है, क्रश कर देता है, और 10 से 20 mm के पल्वराइड कोल फायरिंग में उसको हम लोग डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे क्रशर लगा हुआ है, ऊपर से बड़े बड़े साइज जो होते हैं उसको तोड़ करके क्रशर के हेल्प से हम लोग छोटा छोटे साइज में चेंज कर लेते हैं, फर्दर उसको और तोड़ते हैं। नाउ कम टू वाइब्रेटिंग सेपरेटर। वाइब्रेटिंग सेपरेटर में हम लोग क्या करते हैं, साइज ऑफ वाइब्रेटिंग सेपरेटर इज फिटेड आफ्टर क्रशर टू स्क्रीन द कोल। क्रशर क्रश बिटवीन सेट साइज, ओवरसाइज कोल इज रिटर्न टू क्रशर फॉर फर्दर पर्पस क्रशिंग। बेसिकली वाइब्रेटिंग सेपरेटर का काम क्या होता है, ये यहाँ पे देखिए चलनी के जैसा है, इसमें आप कोल को लेकर के आते हो, ठीक है, और वाइब्रेट करते हो जिससे कि जो एक साइज के छोटे छोटे साइज के जो है वो कोल तो बाहर नीचे चले जाएंगे, हम लोग आगे भेज देंगे, लेकिन जो बड़े साइज के कोल होते हैं जो क्रशर से, फिर वापस हम लोग क्रशर में उसको भेज देते हैं और फिर तोड़ करके वापस इसमें वाइब्रेटर सेपरेटर में लेकर के आते हैं, जिससे कि आगे के फर्दर प्रोसेस के लिए उसको बढ़ाया जा सके। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ कोल, डिफरेंट इक्विपमेंट्स ऑफ कोल ट्रांसफर। बेल्ट कन्वेयर हो गया, स्क्यू कन्वेयर, बकेट एलिवेटर, ग्रेप बकेट एलिवेटर, फ्लाइट कन्वेयर और स्क्रिप्टर, स्कीप होस्ट, ये सारे बेसिकली एक तरह से ट्रांसफर ऑफ कोल के लिए डिफरेंट टाइप इक्विपमेंट्स है जो कोल ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया। अब आते हैं हम लोग बेल्ट कन्वेयर को देख लेते हैं, एक एक देखेंगे हम लोग। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ इंडलेस बेल्ट ऑफ सुटेबल मटेरियल रनिंग ओवर पेयर ऑफ इन ड्रम सपोर्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स बाय सीरीज और रोलर। मैक्सिमम इंक्लिनेशन 20 degrees, रनिंग स्पीड 400 to 500 रोटेशन पर मिनट, ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी 550 to 100 ton/hour ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ये बेसिकली आपका बेल्ट कन्वेयर है, पूरा का पूरा बेल्ट लगा हुआ है, इसके नीचे ये रोटर लगे हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे जो रोटर लगे हुए हैं, इसको हम लोग रोटेट करते हैं। रोटेट करने के साथ ही क्या होता है, जो पूरा का पूरा पट्टा है जिस पर पे कोयला है ये आगे बढ़ता है, ये रोटेट करते जाता है, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा और ये पूरा बेल्ट जो है आगे बढ़ता जाएगा
और उसको आगे पहुंचाता जाएगा। इससे एडवांटेजेस क्या है, लो कॉस्ट एंड पावर कंजप्शन, स्मूथ एंड क्लीन ऑपरेशन, चीप मेंटेनेंस, कंट्रोल रेट ऑफ कोल ट्रांसफर। मैं इसको ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए। अब उसके बाद आते हैं स्क्रू कन्वेयर। आप यहाँ पे देखो स्क्रू कन्वेयर, बेसिकली इसमें क्या होता है कि इट इज यूज फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, 30 मीटर के डिस्टेंस के लिए हम लोग स्क्रू कन्वेयर के यूज कर लेते हैं। टोटली इंक्लूड फ्रॉम एटमोसफेयर, कोल डस्ट कैन बी ट्रांसफर्ड इजिली, डायमीटर 50 सेंटीमीटर, स्पीड 70 to 120 आरपीएम, ट्रांसफर कैपेसिटी 100 टन पर आवर। तो ये बेसिकली आपका एक तरह से स्क्रू कन्वेयर है। देखिए स्क्रू कन्वेयर कैसे होता है, यहाँ पर आपने देखा ड्राइव यूनिट लगा होता है, आउटलेट है और कन्वेयर दूसरा जो है, ये दूसरा वाला जो आप देख सकते हो कन्वेयर है, कैसिंग बोलते हैं इसको। तीसरा इनलेट, यहाँ से हम लोग कोल को डाला इनलेट। और चौथा जो है आउटलेट है, चार नंबर यहाँ पे देख सकते हो हम लोग आउटलेट है, यहाँ से कोल को डाला, यहाँ से हम लोग निकालते हैं। हैंगिंग बियरिंग पांच नंबर पे आप देख सकते हो, हैंगिंग बियरिंग यहाँ पे लगा हुआ है। छह नंबर पे स्क्रू ब्लेड, ये पूरा का पूरा स्क्रू ब्लेड जो रोटेटिंग जैसे आपको दिखाई दे रहा है स्क्रू ब्लेड है, तो ये पूरा पूरा रोटेट करते रहता है। बेसिकली ये पूरा का पूरा इस मोटर ड्राइव यूनिट की हेल्प से रोटेट करता है और पूरा का पूरा जो कोल है लेफ्ट साइड में ये ट्रांसफर होता रहेगा और यहाँ से चौथे वाले जगह से आउटलेट से हम लोग उसको निकाल लेंगे। इसके एडवांटेजेस क्या है, चीप है और रिक्वायर स्मॉल स्पेस, सिंपल एंड टाइट, डस्ट टाइट। डिसएडवांटेजेस क्या है, हाई पावर कंजप्शन पर टन ऑफ कोल ट्रांसफर, थोड़े से कोल ट्रांसफर के लिए आपको हाई पावर की रिक्वायरमेंट होती है, वियर और टीयर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, शॉर्टर लाइफ होता है इसका। उसके बाद बकेट इलिवेटर की बात करते हैं, कोली लिफ्टेड वर्टिकल और नियर वर्टिकल डायरेक्शन, इट कैरी द बकेट फिक्स टू ए चेन, बकेट आर लोडेड विद द कोल एट बॉटम एंड डिस्चार्जेज एट द टॉप। यहाँ पे क्या है कि कोल को हम लोग बकेट इलिवेटर की हेल्प से ऐसे डालते हैं। देखो यहाँ पे ये वाले फिगर में आप देख सकते हो, सेकेंड वाला जो फिगर है राइट साइड में, इसमें आप देख सकते हो कि बकेट एलिवेटर की हेल्प से वो पूरा का पूरा एक तरह से ट्रांसफर कर रहा होता है कोल को। ये ऊपर जाएगा, देखो ये पूरा का पूरा रोटेट करता रहेगा, यहाँ पर रोटेटिंग मैकेनिज्म होता है और यहाँ से आपने कोल को इनलेट डाला और क्या होता है, यहाँ से ये पूरे जो कप बकेट लगे हुए हैं इसमें कोल भरता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा और सेकेंड साइज में देखो यहाँ पे आउटलेट है, यहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट वाला फिगर है उसमें आउटलेट पे हम लोग उसको गिरा रहे होते हैं। तो लिमिटेशंस क्या है इसके, ये लिफ्ट ऑफ कोल इज लिमिटेड टू अबाउट 30 मीटर, इंक्लिनेशन इज लिमिटेड टू 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ट्रांसफर कैपेसिटी 60 टन पर आवर। ग्रैब बकेट एलिवेटर है, इट लिफ्ट द ट्रांसफर कोल ऑन ए साइड सिंगल रेल और ट्रैक फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, इट कैन बी यूज्ड विद क्रेन और टावर, ट्रांसफर कैपेसिटी 50 टन पर आवर। एडवांटेज क्या है इसका, रिक्वायर लेस पावर ऑफ ऑपरेशन, मिनिमम मेंटेनेंस, यूज्ड व्हेन अदर अरेंजमेंट्स आर नॉट पॉसिबल, लेसर ऑपरेटिंग का डिसएडवांटेज, इनिशियल कॉस्ट हाई होता है। अगर आप एक क्रेन खरीदोगे तो बहुत ज्यादा इनिशियल कॉस्ट लगेगा। एक ग्रेब बकेट एलिवेटर है, बेसिकली यहाँ पे आपको कोल रखा होगा, इसमें आप कोल को भरो और जहां मन करे वहां पे क्रेन की हेल्प से उसको ट्रांसफर करो। फ्लाइट कन्वेयर और स्क्रेपर्स, फ्लाइट कन्वेयर इट इज जनरली यूज टू ट्रांसफर द कोल व्हेन फिलिंग ऑफ नंबर ऑफ स्टोरेज बीन अंडर द कन्वेयर इज रिक्वायर्ड, द कोल इज डिस्चार्ज इन द बॉटम ऑफ ट्रक, ट्रांसफर कैपेसिटी इज 10 to 100 टन पर आवर। एडवांटेज लो कैपिटल कॉस्ट, इट कैन ट्रांसफॉर्म बोथ कोल एंड एस, इट कैन वेरी इजली द रेट ऑफ कोल डिस्चार्ज। डिसएडवांटेज हाई एनर्जी कंजप्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, हाई वियर एंड टियर ड्यू टू ड्रैगिंग एक्शन। ये सारी चीजें मैं आपको थोड़ा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। उसके बाद हम लोग उसका करते हैं फीड वाटर ट्रीटमेंट, फीड वाटर ट्रीटमेंट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।